राम राम जपना बंगाल होगा अपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर घमासान लगातार हो रहा है। दो दिन पहले भाटपारा में हुई हिंसा की जांच को लेकर आज बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल सांसद एसएस अहलूवालिया की अगुवाई में भाटपारा में है। ये टीम बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जब बीजेपी दल भाटपारा पहुंचा तो वहां न सिर्फ जय श्री राम के नारे लगे बल्कि दो गुटों के बीच संग्राम भी छिड़ गया। सवाल उठता है कि पश्चिम बंगाल में यह दौर कब तक चलेगा? क्या बीजेपी जय श्री राम के नारे से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होगी? ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद दंगल में बड़ी बहस की शुरुआत हम करेंगे। जब बीजेपी के तीन सांसदों की टीम पश्चिम बंगाल के भाटापारा पहुंची तो जय श्री राम के नारे लगे। बीजेपी के एसएस अहलूवालिया, सतपाल सिंह और बीडी काम भाटापार के मिजाज का हिसाब लगा रहे थे, तभी दोबारा झड़प शुरू हो गई। अब जरा इस शख्स को देखिए, इसके सर से खून बह रहा है। खूनी संग्राम में इस शख्स की हालत गंभीर है। देखते ही देखते पूरे इलाके में तनाव पसर गया। पुलिस को भी मोर्चा संभालना पड़ा। इस वक्त भाटपारा में आप देख सकते हैं किस तरह की जो नजारा है। बहुत ही बड़े पैमाने में पुलिस का डिप्लॉयमेंट हुआ है, उसके साथ साथ रैपिड एक्शन बटालियन फुल गियर में है, क्योंकि कल भाटपारा में पिछले दो दिन से जिस तरह की हिंसक वारदात हो रही थी उसके बाद से बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट का कमिश्नर को बदल दिया गया है। और इस वक्त बीजेपी का एक प्रतिनिधि दल इस वक्त आया हुआ है, एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन आई है। पुलिस प्रशासन है रक्षा करने के लिए कि लोगों के गोली मारने के लिए, आप बताइए। हुआ कि स्कूल बंद करके बाहर निकले तो गोली चला, बस गोली कौन चला, लग गया गोली मुझे। पुलिस ने गोली चला। हाँ बस, पुलिस को बोलिए कि अपना सूट ऑर्डर रोकने के लिए निर्दोष पर गोली क्यों चला रहा है, निर्दोष पर गोली चला रहा है, बिन कसूर को हम लोग को रास्ता में मार रहा है, रोड पर कुछ सामान लाने गए हैं तो हमको मार दे रहा है। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल भाटापारा में एक एक शख्स से बात करने लगा। वहां वो खून खराबे की वजह समझने में लगे थे, दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते रहे। बीजेपी सांसद एसएस अहलूवालिया ने साफ साफ कह दिया, बंगाल में खूनी संग्राम की रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को देंगे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। उपद्रवी पर लाठी चला रहे हैं और निर्दोष पर गोली चला रहे हैं, ये निर्णय किसने लिया, ये एक इंक्वायरी का विषय है। पश्चिम बंगाल के भविष्य के लिए ये चिंताजनक विषय है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह खून की राजनीति चल रही है, ये वर्तमान और भविष्य दोनों को खतरे में डाल रही है, इस पर सोचना पड़ेगा। हिंसक झड़प में दो लोगों की मौत के बाद उत्तर 24 परगना जिले के भाटापारा में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इससे पहले बीजेपी नेताओं ने कल निषेध आज्ञा का उल्लंघन करते हुए झड़प के दौरान मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली निकाली। बीजेपी लगातार बंगाल हिंसा के लिए ममता सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं लोकसभा चुनाव खत्म होने के महीने भर बाद भी बंगाल में खूनी संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भाटपारा से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। कितनों की जान लेगी बंगाल में चल रही सियासत, इसी पर दंगल की शुरुआत हम करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय जल्दी से आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ राजीव जेटली, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आमिर हैदर जैदी साहब, सीपीआई के नेता, स्टूडियो में मौजूद हैं। आरएसएस विचारक अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और टीएमसी सपोर्टर पॉलिटिकल एनालिस्ट राहुल चक्रवर्ती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत राजीव जेटली आपसे ही करते हुए, वहां पर जांच के लिए आपकी टीम पहुंची थी या जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए? देखिए, जांच के लिए हमारी टीम पहुंची थी। जय श्री राम का नारा आपने दिखाया कि कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो अपने देश के अंदर ही इनसिक्योर हो चुके हैं। हमारे कार्यकर्ता वेस्ट बंगाल के लोग वहां जय श्री राम का नारा लगाएंगे। देखिए, अगर कार्यकर्ताओं में एक जुनून है, कार्यकर्ताओं में एक जोश है, जिन लोगों को तड़पाया जा रहा है, मारा जा रहा है, सड़कों पर खदेड़ा जा रहा है, सड़कों पर उनके बुरे हालात किए जा रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, वहां की सरकार पुलिस के साथ मिलकर उनकी हत्याएं करवा रही है, अपने कार्यकर्ताओं की हत्याएं करवा रही है। अगर वहां पर सेंट्रल फोर्सेज जाती है, केंद्र से नेता जाते हैं, दो लोग मारे गए, आप जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नारा लगाने की बात अगर कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है, जिन लोगों के ऊपर पूरा आपने अत्याचार किया है,
उन बहुसंख्यकों को आजादी नहीं दे रखी, वो अपनी आस्था में प्रकट नहीं कर सकते। इस देश में रह रहे ये पूछना चाहता हूँ, वो इस देश में रह रहे हैं या इस देश से बाहर किसी इस्लामिक कंट्री में रह रहे हैं, जहाँ की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन चुकी है और हमारी सेंट्रल फोर्सेज को वहां की सुरक्षा नहीं करने देती है। ऐसे प्रदेश के अंदर अगर कोई नेता केंद्र से जाता है और वहां का नेता और वहां के कार्यकर्ताओं में जोश भरता है या उनको लगता है कोई हमारी तकलीफ सुनने वाला भी आया है, अरे भाई उनको डर लगता था, वो सोचते हैं मेरी चमड़ी उधेड़ ली जाएगी अगर मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगा, मेरी आंखें निकाल लेंगी ममता दीदी, मेरी आंखें निकाल लेंगी वो। क्यों अगर वो जिस प्रदेश के अंदर आंखें निकालने का डर होगा उस प्रदेश का कार्यकर्ता केवल अपने नेता को देख के ये बात तो सच है ना कि अपने नेता को देखकर अगर कार्यकर्ता राजीव जी हमको भी आप तो उसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को? कार्यकर्ता नहीं, वेस्ट बंगाल का हर एक नागरिक बन रहा है, बंगालियों के जो मैंने सुन लिया राजीव जी आपका क्या चुका, मैं सुन लिया, राजीव जी जरा मेहरबानी करके कहने दीजिए किसी को। बोलिए बोलिए राहुल जी, बात यह है, देखिए जो भाटपाड़ा में हो रहा है बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक है, ये होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को काम ही नहीं है, किसी को मौत, किसी को मर जाना ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, किसी का दल का हो, कोई भी दल का हो, चाहे भाजपा दल का नहीं, आम आदमी को मार रहे हैं, आम व्यक्ति को मार रहे हैं जो घर से सामान लेने के लिए निकल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का या जय श्री राम का रहने लायक नहीं हूँ आपको, तो आपका बारे में मैं भी चिल्लाते रहूंगा, आप अगर किसी को कहने नहीं दीजिएगा आपकी है जहाँ पे अधिकार छीने आपने, न्यायालय ने बोला है बहुसंख्यकों के अधिकार अगर किसी ने छीने तो तृणमूल कांग्रेस ने, ममता जी ने छीने बंगाल में, हम नहीं कहते आपका तो टॉलरेंस नहीं है सुनने का, आपका बस सहनशील आप है नहीं सुनने के लिए आप तैयार ही नहीं है राहुल जी, आप खाली कहते जाइएगा। बात यह है देखिए चित्रा जी, पहला बात तो यह है जो वहां सांसद भी भाजपा का है, वहां विधायक भी भाजपा का है, वहां अभी जो कॉर्पोरेशन का बोर्ड है, जो नगर पालिका का बोर्ड है वो भी भाजपा का है। बात यह है जो आपको अगर रिकॉर्ड है आप दिखाइए, परसों या कल या परसों जितना हिंसा तक घटना हुआ है वहां पे पुलिस के ऊपर बम चार्ज किया गया, पुलिस को पत्थर मारा जा रहा है, पुलिस को ऊपर पत्थर फेंका गया है, जो वहां पे शांति आई है शांति नहीं है, आज जय श्री राम का लगा के आपकी सरकार की जिनके संरक्षण में वहां फेंके जाते हैं आपके कार्यकर्ता सर ये पे चल रहा है जबरदस्ती वाला चीज, जहां पुलिस शांति चाहता है केवल पंचायतों के जा रहे हैं बलि चला दी, पत्थर मारा जा रहा है, बम फेंका जा रहा है, बोल रहे बम फेंकने वाले कौन है, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक बंगाली के अधिकार, बंगालियों का जीना हराम कर दिया आप लोगों ने, वहां पे बंगालियों को जीने के अधिकार छीन लिए, उनकी धार्मिक आजादी छीन ली है, ये हम नहीं कहते, न्यायालय ने कहा है, जस्टिस गुप्ता ने भी ये बात कही, इतना 34 साल से जो बाहर रहने वाले लोगों ने राज किया और 34 साल का बाद जो ठंडा हो गया था, की राजनीति के चलते वहां की जनता की बर्बादी कर रहे हैं, वहां की जनता की हत्या करवा रहे हैं आप लोग, ये लोग का फिर से ये 34 साल वाला कहानी लेके आ रहे हैं। भाजपा में सिर्फ बदल ये हुआ, जो पहले ये लोग सीपीएम में था अभी चले आया भाजपा में, जो अभी 20% वोट देके इन लोग को 18 सीट लाके दिया, अभी यही लोग सीटों के लिए इतनी हत्याएं करवा रहे हैं क्या लोग आप? राहुल चक्रवर्ती जी, लेकिन मेरा सवाल यह है, आप कह रहे हैं कि पुलिस वालों को ही निशाना बनाया जा रहा है, किसका मेरी मिचल में राहुल चक्रवर्ती, आरोप तो ये भी है ना कि वहाँ की जो पुलिस है वो टीएमसी कार्यकर्ता की तरह बर्ताव कर रही है, आपका भाजपा का जुलूस पर नारा कौन लगा रहा है, देखिए जो बम फेंक रहा है वही नारा लगा रहा है। अच्छा, और आपकी सरकार वहाँ पर क्या कर रही है, मूक दर्शक बनी हुई है सरकार, मुख्यमंत्री किस लिए है अगर वो लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल नहीं कर पा रही है वहां पर? तो चित्रा जी पुलिस अगर एकदम मुख्यमंत्री तो कह रही है मैं चमड़ी उधेड़ लूंगी, मैं आंखें निकाल दूंगी, जो जय श्री राम बोलेगा तो उसकी चमड़ी उधेड़, अरे भाई हम कहां जी रहे हैं, कैसी कैसी राजनीति हो रही है मेरे भाई, क्यों आप राजनीतिक पार्टी के इतना बस बीत गया 8 सालों से ममता बनर्जी वहां पर मुख्यमंत्री है, लगातार पिछले ही साल सर 2018 में वहां पर जो लोकल इलेक्शन में थे 96 लोग मारे गए थे एक साल के भीतर, अभी 2019 का आंकड़ा 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, क्या लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर रही है वहां पर मुख्यमंत्री?
हम तो चाह रहे हैं जो शांति आए चित्रा जी, शांति कैसे आएगी? कौन सुना रहे? अगर जो जय श्री राम नारा दे रहे हैं, शांति कैसे आएगी? आपको लग रहा है आज वहां सुरेंद्र सिंह आलूवाले का नेतृत्व में कोई अगर प्रतिनिधि दल आया है तो उसका क्या नारा लगाने का दरकार क्या है? नारा लगा रहे इसलिए तड़प पड़ती है, जय श्री राम सुनते ही इसका मतलब वहाँ के लोगों के पास भी अधिकार है, हर किसी के पास अधिकार है, अपनी धार्मिक आजादी है उनके पास, अपनी आस्था प्रकट करने की। तकलीफ क्या है जय श्री राम से? राजीव जेटली जी, लेकिन आप लोगों को भी लग रहा है ना कि अशांत रहेगा बंगाल तो उसे उतना ही फायदा मिलेगा। देखिए एक बात बताइए, ठीक है, मैं आपकी बात करता हूँ, दूसरे पास में आती हूँ, उसके पहले बाकी के दोनों मेहमानों को भी मौका देते हैं। छोटी सी बात रखता हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक राजनीति करती है, हर जगह पे एक ना एक राजनीतिक दल हमारे विरोध में होता है, हमारे विपक्ष में होता है। हमने कहीं ऐसी हत्याएं नहीं देखी जहाँ सड़कों के ऊपर गोली चला दी जाए, बम फेंक दिए जाए। बंगाल में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? अब विजय शबस्ती, उत्तर प्रदेश में सुबोध कुमार सिंह तो भूल गए, झांसी में भूल गए, अरे फिर आप मत जाइए उत्तर प्रदेश, आप लोग भूल गए। राहुल जी बताइए अपनी जेशी। चित्रा जी मुझे लगता है कि भारतीय संविधान के हिसाब से कानून और व्यवस्था ठीक रखना या उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, संघीय ढांचे में ये है। लेकिन ममता बनर्जी एक तो संघीय ढांचे को स्वीकार नहीं कर रही, नीति आयोग की बैठकों की मैं नहीं जाऊंगी, केंद्र किसी विषय पर बातचीत करना चाहेगा नहीं जाऊंगी, प्रधानमंत्री अगर तूफान को लेकर के उनसे फ़ोन पर बातचीत फ़ोन तक नहीं करेंगे। दूसरी तरफ नवीन पटनायक भी विपक्षी दल थे, वो साथ में गए, ये असली जिम्मेदार कौन है इसका? और आपने आज एक अजीब बात कही कि आप जांच करने गए थे तो नारा जय श्री राम का नारा, जय श्री राम के नारे पर आपत्ति है इस देश में? जय श्री राम का नारा भड़काऊ नारा है, जय श्री राम का नारा भड़काऊ है, मुझे हैरत होती है, मुझे हैरत होती है किसी मुर्दाबाद नहीं कोई जिंदाबाद नहीं, जय श्री राम का नारा इस देश में, जय श्री राम मंदिर क्या होता है अयोध्या में जाकर? अयोध्या का कितना सुधार हुआ? अयोध्या का विकास देखा है आप लोगों ने? जय श्री राम के नारे कैसे लगाते हैं आप लोग? अयोध्या में कुछ नहीं किया गया अयोध्या में, अयोध्या में जाकर के आप देखिए वहाँ पर पूरी तरीके से जिस तरीके से बना है। लेकिन हैरत की बात है कि जय श्री राम नारे को भड़काऊ नारा बताया जा रहा है, धीरे धीरे आप एस्टेब्लिश कर देंगे कि जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, वो भड़काऊ दूसरा भड़काने वाले ही तो काम कर रहे हैं ना आप लोग, दलों को हैरत की बात है, मेरे जय श्री राम के नारे लगाने से कोई भड़कता है तो मैं राम का नाम लेना बंद कर दूं? हैरत की बात है इस देश में। ये मैं आराम से राम नाम के लिए क्या आपको जुलूस चाहिए? राम का नारा लगाने पर कोई कहे कि इनकी खाल खींच दूंगा, राम नाम की जगह दूसरा नहीं, धर्म करने का जगह हजार बार लगा सकते हैं नहीं, मतलब जय श्री राम इसमें ताकत की बात क्या? इसमें हनुमान जयंती पर हनुमान जय मतलब जय श्री राम का नारा लगाना सही है? जय श्री राम के नारे लगाने से अगर जय श्री राम के नारे लगाने से इस्तेमाल इसका होगा देश में जय श्री राम का नारा लगाने से ताकत दिखाई होती है तो ताकत है देश में है तो अगर उस पर वो विरोध कर रही है तो क्या दिक्कत है? चलिए इसी सवाल के साथ आपके पास आते हुए आमिर हैदर जैदी साहब, ये कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा इस देश में धार्मिक आजादी है ना हम लगा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ठीक है, देखिए एक चीज और है चित्रा जी, ममता बनर्जी को जो पहले दुर्गा का अवतार कहते थे आज वो ममता बनर्जी अल्पसंख्यक हो गई। RSS पहले ये स्पष्ट करे, पहले वो दुर्गा का अवतार थी तो आज अल्पसंख्यक कैसी हो? किसने कहा था दुर्गा का अवतार? RSS ने और BJP ने कहा था, ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, दुर्गा का अवतार बताते थे। दूसरी ये जांच एजेंसियां जांच एजेंसियां करती हैं, राजनीतिक पार्टियां नहीं करती हैं। अगर बंगाल के अंदर कुछ हो रहा है तो जांच एजेंसियों को जांच दी जाए, वो जाके जांच करे हिंसा किस तरह से हो रही है ये चीज होनी चाहिए। मतलब BJP के सांसदों को जाने दे रही है, जांच दल को नहीं जाने दे रही है, क्या बात कर रहे हैं? जांच एजेंसियां करती हैं, राजनीतिक दल नहीं करते। अगर वहां कुछ हो रहा है तो केंद्र सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, वहां से आप ऑर्डर ले लीजिए, नहीं करती है तो, और केंद्र में आप है, केंद्र के पास इतनी पावर है कि वो जांच करा सकती है किसी भी जांच एजेंसी से। दूसरी एक चीज और, राजनीतिक द्वेष अलग बात है, राजनीतिक विचारधारा की भिन्नता होती है, होनी भी चाहिए, वो चीज अलग होती है। आप क्या SS अहलूवालिया की इस बात से सहमत है? उन्होंने कहा है कि वर्तमान और भविष्य के लिए खतरा है जिस तरह की स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। आप उसे गलत दिशा दे रहा है। माफियाओं के बीच में एक आपने देखा होगा कभी महाराष्ट्र के अंदर माफियाओं के बीच में गैंगवार होता था क्षेत्र को कब्जा लेने के लिए, मैं इसे राजनीतिक गैंगवार कहता हूं, गुंडा गैंगवार कहता हूं,
दो माफियाओं के बीच में गैंगवार चल रहा है बंगाल की जमीन को कब्जाने के लिए, और यह हिंसा राजनीतिक हिंसा नहीं, मैं इसे गैंगवार का ही नाम देता हूं, कल भी आपके चैनल पे राजीव जी आज फिर कह रहा हूं ये राजनीतिक गैंगवार चल रहा है, राजनीतिक राजनीतिक भिन्नता है, मेरी भी है, ममता से भी, आरएसएस से भी, दोनों से, मैं जवाब देता, लेकिन इसे राजनीतिक गैंगवार के अलावा आप कुछ और नाम नहीं दे सकते। मैं कभी आपने किसी प्रदेश के अंदर ऐसे माहौल देखा है जिस प्रदेश के अंदर अगर कोई सेंट्रल एजेंसी वहां पर किसी नेता की चेकिंग कर रही हो एयरपोर्ट पे तो वहां की पुलिस उसको अरेस्ट कर ले? क्या दिल्ली में ऐसा माहौल देख सकते हैं, बॉम्बे में देख सकते हैं, किसी और जगह पे? कलकत्ता जैसी जगह जो इतना बड़ा हमारा सेंटर, जो वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा सेंटर माना जाता था देश का, वहां पर अगर एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है तो उस सेंट्रल ऑफिसर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अरे सीबीआई कहती है कि मुझे प्रोटेक्शन दीजिए क्योंकि मुझे आपके घोटालों की जांच करनी है, वहां के पुलिस ऑफिसर वहां की जांच नहीं कर रहे थे, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, ये बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की कि यहां पे गैंगवार चल रही है। अरे जब दुर्गा का अवतार बोला था तो याद कीजिए, तब आप लोगों की गुंडागर्दी के चलते ममता बनर्जी का यह कहना था कि मैं राजनीतिक सर्वाइवल नहीं कर पा रही हूं क्योंकि मुझे कम्युनिस्ट जो सीपीआईएम के गुंडे हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर देते हैं। आज ममता बनर्जी भी वही काम कर रही है, हम ममता बनर्जी के साथ खड़े थे उस वक्त पे, हमने कहा था दीदी अगर आपके साथ ऐसे हालात हैं तो देश का बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा है, लेकिन आज उससे भी बुरे हालात आपने कर दिए जब आपने पेड़ के साथ हमारे कार्यकर्ताओं को टांग के उनकी फांसी लगा के हत्या कर दी। राहुल चक्रवर्ती जी पर कैसी सरकार है आपकी, पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा हत्याकांड की कार्यकर्ता से हो जाती है तो 20 लोगों की हत्या आप पूरे देश का विभाजन कर रहे हैं। ममता दीदी कहती है मुसलमानों की यहाँ पर मुसलमानों का इलाज नहीं किया जाता हिंदू डॉक्टरों द्वारा। अरे भाई इस देश के अंदर अगर आप ये शब्द भी बोल देंगे कि हिंदू डॉक्टर मुसलमानों का इलाज नहीं कर रहे, वो लोग जिन्होंने डॉक्टरों को सरेआम जिनके ऊपर अटैक करा, जो इलाज करने वाले लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश के अंदर, वो सुरक्षित नहीं है। आम आदमी की जेब आपके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह चुके हैं जितने दंगे होंगे जितने फिसाद होंगे उसमें ही कमल खिलेगा। आप दंगे और फिसाद करने के लिए खेलेगा? अरे हमारे खून की हमारे एक एक खून के खतरे का आपके नहीं बदला लेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। हम आप लोगों की तरह लोकतांत्रिक तरीके से हथियार उठा के सड़कों पर नहीं निकलते। हम किस पिस्तौल और बंदूक लेके सड़कों पर नहीं उतरते। ये सत्ता लोकतांत्रिक तरीके से हासिल की जा सकती है और बंगाल की जनता ये बदमाशी से हासिल नहीं की जा सकती। जनता ये हम बदमाश और दो राजनीतिक गैंगवार हो रही है देश के अंदर। चलिए अवनी जेशी आपको जुड़ना चाह रहे थे। जब चित्रा जी राहुल सांसद थे, राहुल का विधायक थे, बंगाल की जनता ने जिस तरीके से कोई गंडगोल हुआ वो नहीं हुआ, कोई वायलेंस नहीं हुआ सर, इसे बात की तो दिक्कत है ना कि अब अर्जुन सिंह ने ये शुरू हो गया गुंडागर्दी, ये शुरू हो गया खून का, मतलब जब तक वो टीएमसी में थे वो दूध के थुले हुए थे, जैसे ही वो बीजेपी में गए वैसे ही वो गुंडा हो गए। राहुल चक्रवर्ती आपकी बात पर कौन भरोसा करेगा? भाटपाड़ा का तब से शुरू हो गया। हाँ मतलब जब तक वो टीएमसी में थे वो पाक साफ थे, जैसे ही बीजेपी में आए वो गुंडा हो गए। भ्रष्टाचारी थे बीजेपी में आते ही वो गंगा पुत्र हो गए। यही तो बात है ना कि दरअसल भाटपाड़ा में बीजेपी मजबूत हो गई है उससे आप लोगों को दिक्कत है। तो ये दोनों क्या चल रहा है राहुल चक्रवर्ती? ना दो गैंगवार चल रही है देश के, फिर देश को चला ठीक है विजय जी को डॉन बीच में ऐसा है कि जहां जहां ये हिंसा की राजनीति आई क्यों बंगाल में, जहां जहां कम्युनिस्ट पार्टियों की सत्ता रही है त्रिपुरा केरल और पश्चिम बंगाल, ये वहां पर हिंसा को जन्म दिया, हिंसा की राजनीति इन्होंने शुरू की, लगातार हिंसा की राजनीति सिर्फ इन तीन प्रदेशों में क्यों है? उसके लिए पूरी तरीके से वामपंथी, क्योंकि उनकी उनकी कहती है क्रांति बंदूक की नली से निकलती है, उनका तो पहला विचार सर ये तो क्रांति चले गए ना। अच्छा है? तो ये चले गए, ये उनके ही उनके ही है, ये वामपंथियों की राजनीतिक संस्कृति है, वामपंथियों की राजनीतिक संस्कृति है। सर इनके बहुत सारे नेता आपके बड़े चेहरे बने हुए हैं त्रिपुरा में, इनके बहुत सारे नेता आपके नेता बने हुए हैं बीजेपी के, चार स्वयं सेवकों को इतिहास में ऐसा होता रहा है तो वर्तमान भविष्य तो ऐसा नहीं होता रहेगा ना सर। ठीक है तमाम लोगों के पास में आगे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है दंगल में, लेकिन सवाल यह है सत्ता के लिए ये संघर्ष पश्चिम बंगाल में कब तक चलेगा?
इसको रोकने के लिए दोनों ही पार्टियां पहल क्यों नहीं कर रही? राम राम जपना बंगाल होगा अपना, इसी को लेकर दंगल में बड़ी बहस लगातार हम कर रहे हैं। लेकिन जल्दी से एक आंकड़ा आपको बता देती हूं कि पश्चिम बंगाल आखिर क्यों जल रहा है, क्योंकि हर रोज वहां से हिंसा की खबरें आती हैं। 20 जून को उत्तर 24 परगना के भाटपारा में दो लोगों की जान गई, 12 जून को मालदा में बीजेपी कार्यकर्ता का शव बरामद किया गया, 11 जून को उत्तर 24 परगना के भाटपारा में दो लोगों की मौत, पूर्वी बर्धमान में एक की जान चली गई, 10 जून को हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता का पेड़ से लटका हुआ शव बरामद किया गया और 9 जून को आरएसएस कार्यकर्ता की पेड़ से लटकी हुई लाश मिली। इस तरह की लंबी फहरिस्त है पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, और सवाल यही है कि हिंसा का यह दौर थम क्यों नहीं रहा। एक बार फिर से राहुल चक्रवर्ती आपके पास आते हुए, ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री हैं तो उनसे उसी तरह की उम्मीद की जाती है, जय श्री राम का नारा लगाने पर चढ़ने वाली मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं कर पा रही है वहां पर, और अगर नहीं कर पा रही तो उस कुर्सी पर रहने का क्या हक है उनको? देखिए चित्रा जी, पहला बात तो यह है, जो ममता बनर्जी कोई चीज जय श्री राम से नहीं है, ये पहले साफ कर देना चाहिए। पहला बात तो जो मुख्यमंत्री का जो काफिले जाता है उस पर जाकर जय श्री राम नारा लगाते हैं, तो उसका पहले ये कोई शख्स जेंटलमैन कह रहे थे जो जय श्री राम नारा लगाने का अन्याय है, एकदम नहीं है, हर जगह लगा सकता है, मगर जो आके मुख्यमंत्री को कफिले पे जय श्री राम नारा लगा रहा है उसका तो कोई धार्मिक आवेग नहीं था, उसका कोई दूसरा इंटेंशन था। बात यह है, जब पार्टी ऑफिस हत्या का टाइम जय श्री राम नारा लग रहा है, जब पुलिस को बॉम्ब मारने का टाइम जय श्री राम नारा लग रहा है, जब पत्थर मारने का टाइम जय श्री राम नारा लग रहा है, तब यह राम का जो मर्यादा, यह मर्यादा हानि हो रहा है। हम लोग कपट इसमें हैं, जो राम का मर्यादा पुरुष हम भी मानते हैं, भाई हम भी हिंदू हैं, हम भी मानते हैं, मगर राम का मर्यादा हानि हो रहा है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरी बात कह रहे हो मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, प्रशासन से ज्यादा खराब पूजन पर प्रतिबंध, आप लोग ही कहिएगा, हनुमान जयंती के जुलूस पर प्रतिबंध, कोई गोली से मार गया, कोई दूसरा चीज होगा, यहां राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, जान सकता है, तो पुलिस चाह रही है शांतिपूर्ण से इसको सुलझाओ करे, इसको सोल्यूशन निकाले। शांति का कोई रास्ता अपना ये दिखाए, सुनिए सुनिए, मैं आप ही के ऊपर बता रहा हूँ, मैं नहीं कहूंगा, अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से एक भी वर्जन नहीं देगी, एक भी वर्जन नहीं देगी, मैं केवल इतना बता रहा हूँ। 34 साल से सुनिए सुनिए, अभी तो आप बता रहे थे आप शोर मचा रहे हैं, आप मुझे मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे शोर मचा रहे हैं, इसी तरीके से आवाज दबाने की जो आपकी आदत वेस्ट बंगाल में है, वो चैनल पे थोड़ी देर के लिए मत दिखाइए, चैनल पे थोड़ा देर थोड़ी देर के लिए सब मेरा रोशन किया जाएगा। राजीव जी देखिए, मैं केवल इतनी बात बताना चाहता हूँ, हम नहीं कहते हैं, न्यायाधीश न्यायालय ने क्या बात बोली, उन्होंने कहा इस देश के इतिहास में एक भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा जिसने इतने बुरे हालात बनाए हों कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते बहुसंख्यक समाज के सारे अधिकार छीन लिए, हम नहीं कहते, न्यायालय ने कहा। जस्टिस गुप्ता ने क्या कहा, ममता बनर्जी जिस तरीके का रवैया अपना रही हैं उससे साफ साफ प्रतीत होता है कि वो मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए बहुसंख्यकों के पूरे अधिकार छीन रही हैं, उनकी धार्मिक आज़ादी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, ये भी हमने नहीं कहा, ये भी जस्टिस गुप्ता ने कहा। जिस प्रदेश के अंदर न्यायालय को इंटरवीन करना पड़े, जिस प्रदेश की पुलिस को हिदायत हो कि यहां पर कोई भी व्यक्ति अगर धार्मिक आजादी के चलते अपनी सद्भावना व्यक्त करना चाहता, अपनी आस्था व्यक्त करना चाहता और वो हिंदू है, तो उसके सारे अधिकार छीन लो। जब इस तरीके का माहौल किसी प्रदेश के अंदर बनेंगे तो उस प्रदेश का व्यक्ति अपने आप को अपने देश में नहीं दूसरे देश में पाएगा, और जब उसे लगेगा कि मेरा देश का नेता मेरे देश के बारे में सोचिए ना, मेरे बचाओ मेरे प्रदेश पर हर आए एनकाउंटर वाला जा रहा है, पर बढ़ेगा इसमें कोई डाउट नहीं, जब हम लोग कोई समझ नहीं वाला जा रहा है, बढ़ेगा हमारा बात नहीं है, जो राष्ट्र का प्रतिमंत्री जो थे हंसराज जाहिर, उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश के सबसे लाल और सबसे खराब नौमी के दंगे, राम नौमी के जुलूस के बाद दंगों के बाद सुबोध कुमार सिंह का पुलिस ऑफिसर को सिर्फ गौ रक्षक का नाम पे अटैक किया गया, हमने खुले आम बख्श दिया गया जिन लोगों को चोटें आई उनके, और राजीव जी कह रहे हैं कानून के बारे में, आप लोग की खबर तो बिहार से भी आ चुकी है राजीव जी, आपने आपने दुर्गा पूजा की बात को टारगेट क्यों कर रहे हैं, दुर्गा पूजा जहां देश के प्रधानमंत्री दुर्गा पूजा को इंटरनेशनल मंच पे ले जाके उसको रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं, जिस प्रदेश के पूजा को बमता ज्यादा दुर्गा पूजा लेके गई है उसी प्रदेश के अंदर उसको प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, दक्षिणेश्वर की राजनीति के चलते स्काई वॉक बमता बनी थी, अब जाके देखिए अपनी चीज आ रही है, राहुल चक्रवर्ती क्या दिक्कत है, ममता बनर्जी क्यों पड़ गई है, ममता बनर्जी से बंगाल क्यों नहीं संभल रहा,
क्या हर रोज इस तरह से हिंसा की खबरें सामने आती रहेंगी जब तक 2021 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट नहीं निकल जाता? अगर कड़ी से कड़ी एक्शन ले तो उसमें खून जान ज्यादा जा सकता है। खून लेगा एक्शन ही पूरा संवेदनशील होकर अपना संयम दिखाकर शांति का रास्ता लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करना और स्टेट का मुख्यमंत्री ही नहीं चाहता हो कि वहां के जनता अधिकार उसको दिए जाए। उसको डर लगता है कि जाने अगले ही पल उसके साथ क्या हो जाए। इस तरह का माहौल बना वो भी पुलिस को बहुत मारा जा रहा है, जिस तरह से पुलिस को पत्थर मारा जा रहा है, ये कौन सा तरीका है भाजपा का? भाजपा पत्थरबाजी कर रहा है वहां पे अशांत करे हमारे करे करता हूं कि हम लाशें अपने कंधे पे उठाकर गिन रहे हैं। सब पे इल्जाम लगाया जा रहा है पत्थरबाजी कर रहे हैं लोग, वहां पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। जो भी पत्थरबाजी कर रहा हो किसी दल का हो या कितना हो कैसे पत्थरबाजी कर रहे हैं? आपकी भी तो राजनीति चल रही है ना आप निजेश जी। ठीक है अब निजेश जी, नहीं नहीं जहाँ पे 140 वहाँ पे लाश लेके मिचिल हो रहा है। केंद्र की सीबीआई की टीम वहां के पुलिस कमिश्नर से बात करने जाती है। आपको मालूम है कि सीबीआई के परिवारों के साथ वहां की पुलिस ने क्या व्यवहार किया? वहां की सीबीआई के जो लोकल अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हमें घर में होस्टेज बना लिया गया है। पंचायत चुनावों में न्यायालय को यह कहना पड़ा कि ऑनलाइन आप अपना नॉमिनेशन करिए। यह पहली बार हुआ है कि कोई अपना नॉमिनेशन तक नहीं कर सकता, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा भड़काऊ नारा है। क्या बात, उसके बावजूद आप कह रहे हैं त्रिपुरा में आप लोग क्या किया? न्यायालय ने आप पर क्या टिप्पणी की? न्यायालय ने क्या टिप्पणी की? नॉमिनेशन ऑनलाइन नॉमिनेशन तक करने के लिए बाहर नहीं निकल सकता कोई व्यक्ति नॉमिनेशन तक करने के लिए। और ये सोचने की बात है कि ये राजनीतिक हिंसा सिर्फ तीन प्रदेशों में क्यों है? राजनीतिक हिंसा तीन प्रदेशों में क्यों है? जहां वामपंथियों की सत्ता रही वहां उन्होंने राजनीति में हिंसा को इस तरीके से जोड़ा कि पुलिस के भीतर अपना कैडर हिंसा के सहारे सत्ता पर कब्जा। त्रिपुरा, केरल और पश्चिम बंगाल, आज पश्चिम बंगाल उस वाम सत्ता से निकला लेकिन वाम सत्ता के पास ममता ने उसी पूरे उसको प्लान को अडॉप्ट किया है। सुनिए, पूरे उस प्लान को अडॉप्ट करने की वजह से ये सत्ता की हालत है। आज त्रिपुरा में हिंसा क्यों नहीं है? त्रिपुरा में हिंसा आज क्यों नहीं है? पश्चिम बंगाल की जनता इस हिंसा से ऊब चुकी है और निश्चित रूप से पहला उसका संकेत लोकसभा चुनाव में दिख गया है। और उस लोकसभा चुनाव के पश्चात ममता अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रही है। वास्तविकता यह है कि ममता बनर्जी अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रही है। पश्चिम बंगाल की जनता ने वाम सत्ता को इसीलिए सत्ता से निकाला था क्योंकि उस हिंसा की राजनीति से पश्चिम बंगाल की जनता ऊब चुकी थी। ममता को इसलिए लाया गया था। ममता बनर्जी को जिस तरीके से राइटर्स बिल्डिंग में पश्चिम बंगाल की उस समय की वामपंथी सरकार ने बालों से पकड़कर खींचा था, आप जानते हैं पूरी पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता का साथ दिया। आज वही हाल पश्चिम बंगाल की जनता के साथ ममता बनर्जी कर रही है। ममता बनर्जी कर रही है और इसलिए पश्चिम बंगाल का भद्र लोग, पश्चिम बंगाल का भद्र लोग, आपको मालूम है डॉक्टर्स के एजुकेशन में कौन था? डॉक्टर्स के एजुकेशन में कौन था? सिर्फ डॉक्टर्स नहीं थे, पश्चिम बंगाल का समूचा भद्र लोग दिया गया है। और उसने कहा और अब तो यही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल। नहीं कर सकते राहुल चक्रवर्ती और झुकना पड़ा ममता बनर्जी। तानाशाही का जवाब दिया ना वहां की जनता ने लेफ्ट को। Yes. लेकिन अब आपसे जैदी साहब, सत्ता का संघर्ष उन दो लोगों में होता है जो बराबरी पर आकर टिक जाते हैं। यही कारण है क्या कि बीजेपी और टीएमसी में वहां पर ये सब कुछ चल रहा है? क्योंकि 2021 निशाना है और ये सारी चीजें जो चल रही हैं ये तो मात्र बहाना है। देखिए, आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है और जहां सांस्कृतिक होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए, वहां आरएसएस को होना चाहिए। जैसे बिहार में बच्चे मर रहे हैं होना चाहिए, लेकिन आरएसएस हर उस जगह पाया जाता है जहां पर कत्लेआम होता है, जहां पर हिंसा होती है वहां आरएसएस पाई जाती है। त्रिपुरा के अंदर मैं नहीं बोला, बीच में आप चुप रहे, तीन राज्यों में तो आरएसएस, मैं नहीं बोला आरएसएस सांस्कृतिक संगठन नहीं है, खून तांत्रिक संगठन। आरएसएस तो पूरे देश में, खून तांत्रिक संगठन सिर्फ तीन राज्यों में। चुप जाइए, नहीं 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 चुप जाइए, नहीं नहीं त्रिपुरा के आरएसएस पूरे देश भर में है, कहीं हिंसा नहीं है। हिंसा वहां होती है जो जहां पर चीनी कम्युनिस्ट है या जाहिल है, जहां पर प्रोफेसर है या जाहिल, चीनी कम्युनिस्ट है। प्रोफेसर है क्या है? प्रोफेसर है तो सुनिए, मैं आपको सुन रहा था धैर्य से, अब मुझे सुनिए, धैर्य आपको हिंसक लोग धैर्य रखिए। त्रिपुरा के अंदर जब सत्ता परिवर्तन हुई तो वहां पर कम्युनिस्टों का कत्लेआम और कम्युनिस्टों के दफ्तर के जलाने का काम इसी आरएसएस ने किया था।
महात्मा गांधी की जब हत्या हुई, अभी सुनिए, महात्मा गांधी जब हत्या हुई, सरकार आपकी रही और कांग्रेस हमारा है, किस नाम से थे फिर आप लोग, क्योंकि आपकी सत्ता बहुत अच्छा किया, फिर तो वहां की जनता ने आपको फाड़ देगा, जिनका आज तक पता नहीं चला, जिनका संभावना कैसे बात कर रहे हैं जैदी साहब, लोग हंसेंगे आपके ऊपर, हंसेंगे उसके ऊपर जो यहाँ प्रोफेसर बन के झूठ बोलता है। आप मुझे बताइए ना, रामनवमी स्क्वायर पर चीन पर छात्रों को मार दिया गया, क्या कह रहा था, स्वागत किया, कहते हैं शांति वाली से नहीं होता, प्रति क्रांति को इस तरीके से दबाया जाता है, भारत की 50,000 इस विश्व में 50,000 छात्रों को टैंकों से कुचल दिया गया और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी उसका स्वागत करती है, हैरत की बात है, शर्म की बात है, कम्युनिस्टों के लिए शर्म की बात है, आपके लिए अंतिम है, ये है अब यात्रा अंतिम है, अब खत्म हो मुसाफत है, केरल वाली यात्रा अंतिम, केरल की आरएसएस के लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, आप कह रहे हैं कि उनकी अंतिम यात्रा जिस है। देश के, अपना सोचिए, देश की माओ बहनों को अग्नियार उठा कर ले जाए, उस देश के हर नेता पर सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है, आप नहीं बात कर सारी अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर, चीन में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ, जिसके गुणगान के अंदर क्या हुआ, बिहार के 200 बच्चों के हत्याओं का जिम्मेदार कौन है, भारत नहीं लेंगे जिम्मेदारी, यार भारत को चीन नहीं बनने देना, रूस से हत्याओं की जिम्मेदारी लेंगे, हत्याओं की जिम्मेदारी वो लेंगे ना, बंगाल के जहां 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 कम्युनिस्टों का राज हो रहा है, सिर्फ उन्हीं जगह होती है, दो गैंग पूरे देश भर में बंगाल को जला रहे हो गई, आप कह रहे हैं कि लेफ्ट बात है कि हिंसा की राजनीति में हिंसा सिर्फ तीन प्रदेशों में क्यों होती है, जहां जहां कम्युनिस्ट रहे, त्रिपुरा में बाकी और जगह क्यों नहीं होती, बाकी और जगह क्यों नहीं होती, बाकी और जगह क्यों नहीं होती, इस बात का जवाब दो, बाकी और जगह क्यों नहीं होती, उसके बाद हिंसा कौन कर रहा, बाकी और जगह राजनीतिक हिंसा क्यों नहीं है, जयदी साहब का जवाब नहीं है, और ये बात दूसरी है, और नक्सलवादी केरल से भी समुद्र की तरह चेंज दिया गया है, आरएसएस चलाती है, जितना वनवासी कल्याण आश्रम है सब में हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, और वो हवा में बातें कर रहे हैं, आपके पास कुछ सबूत भी है जैदी साहब, मुझे लग रहा है ना कि बहुत सारी बातें आप हवाबाजी कर रहे हैं, हवाबाजी नहीं कर रहा, हवाबाजी बहुत सारी बातें हवाबाजी कर रहे हैं, जिगर चाहिए हुकूमत के खिलाफ बोलने के लिए, नहीं हुकूमत के खिलाफ आप बोल रहे हैं, कौन से जिगर चाहिए, नाम बताइए, वनवासी कल्याण आश्रम चलती है, जहाँ पर हथियार बरामद किए गए हैं, नक्सलवाद होता है, कहाँ पर ट्रेनिंग देता है, नक्सलवादी आंदोलन के खिलाफ, ममता और आरएसएस नक्सलवादी एक साथ गैर कानूनी तरीके से ये एक तथ्य है, ठीक है, चलिए राजीव जी आपको जोड़ना चाहते हैं, पहली बात यह है कि शायद मुझे लगता है इन्होंने बहुत लंबा भाषण दिया और वक्त भी था, इनको चाहिए भी था और लेना भी था, अटेंशन भी लेनी थी, लेकिन आप ये बताइए 1952 से जब से इनकी राजनीतिक पार्टी अस्तित्व में आई, जो पहले चुनाव हो रहे थे उस वक्त में कोई राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं आए थे, इन्होंने तो कहा था हम हथियार उठा के किसानों को एकजुट करेंगे और उनको बरगला के इस देश के अंदर आगजनी और लूटपाट करेंगे, ये देखिए ये मैं नहीं कहता, सुनिए अरे मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद जितना भी झूठ बोला हमने सुना, जितना भी आपने झूठ बोला हमने सुना, लेकिन सच्चाई सुनने की ताकत भी रखी है, नहीं राजीव जेठी साहब ये इतिहास पढ़ाना छोड़ दीजिए, वर्तमान में रहेंगे तो हम अपना अच्छा भविष्य बना पाएंगे, अभी जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है वो हिंसा का दौर कब थमेगा, और महत्वपूर्ण बात जैदी साहब ने कही थी कि वहां पर बीजेपी के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल क्यों पहुंचा है, वहां पर भेजिए ना केंद्रीय जांच एजेंसी को, ताकि जांच करे, चित्रा जी आपसे, चित्रा जी यही तो मैंने आपसे कहा, केंद्रीय जांच एजेंसी सबसे बड़ी केंद्रीय, आपने कभी सुना, गई थी रोक दिया गया, उसके बाद दोबारा नहीं भेजेंगे आप, उसके बाद दोबारा नहीं भेजेंगे आप, पुलिस कमिश्नर को जनता रहे बंगाल, अग्रिम जमानत लेके घूम रहे हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री धरने पर बैठे हैं, अगर प्रोटेक्शन चाहिए उन्हें भी सेंट्रल फोर्सेस चाहिए, बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने नहीं रोका,
दोबारा भेजिए, अब तो आपके केंद्र में 303 अकेले की पार्टी है ना, इतनी मजबूत, आप दोबारा भेजिए। अभी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपने सांसदों को भेजकर। माहौल ही ऐसा हो गया है कि केंद्र से अगर कोई नौकरी करने वहां जाएगा तो उसके साथ 4 या 5 सिक्योरिटी गार्ड भेजने पड़ेंगे, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में जा रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के मूल निवासियों के वहां पे मूल निवासियों किसी भी केंद्र के अधिकारी को बख्शा जाए। राहुल को जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, राहुल चक्रवर्ती बहुत देर से चुप है, वो को जोड़ना चाह रहे हैं। राहुल चक्रवर्ती, ये बात तो सच है ना, पश्चिम बंगाल में अगर किसी जांच एजेंसी को भेज दीजिए तो वहां पर ममता बनर्जी का अपना अलग शुरू हो जाता है। बात तो ये है, मुख्यमंत्री के अभी धरना में बैठे हैं क्या? कौन सवाल उठा रहा था उनको याद दिला दे, अमित शाह भी धरना में बैठे थे सीबीआई के खिलाफ ने, और अरुण जेटली बैठा हुआ था, मंत्री होने के बाद भी बैठे हुए थे। तो बात वही है, बड़ा मुश्किल बनाना है। ये वल्लभ भाई पटेल आरएसएस को बैन किया था महात्मा गांधी का एसोसिएशन का चार्ज चार्ज में, तो बात वो नहीं है, बात इतिहास का भुला नहीं है। भाजपा के पास अभी बड़ा चरित्र है ही नहीं, कोई क्रांतिकारी, कोई बड़ा चरित्र भाजपा के पास है ही नहीं है। ये तो इतिहास बोलेंगे, वक्त बोलेंगे, समय बोलेगा, मगर भाटपाड़ा में जो हो रहा है बंगाल में, उसमें सब हर किसी को सहनशील होना चाहिए, सबको चाहिए यह शांति अगर रोकना चाहिए, हर कोई किसी को आगे आना चाहिए, प्रशासन को हेल्प करना चाहिए, कॉपरेशन करना चाहिए, मगर भाजपा का ये कारण है बंगाल में कैसे ममता बनर्जी दिखाई, कैसे ठीक है। बंगाल का आम देख रहे, गोरखपुर में बच्चों के जनाजे निकले, बिहार में जंगल राज था, अब राम राज है जहाँ बच्चे रोल कर रहे हैं, मासूमों की हत्या हो रही है, और सरकार के सरकार के समर्थन में हिंसा को आप भाजपा को छोटा सा जगह क्यों नहीं जोड़ेंगे? राहुल से मैं पूछ रही हूँ, राहुल ये बताइए, ठीक है राहुल ये बताइए, हिंसा रोकने के लिए क्या करना होगा वहाँ पर, यही बताइए आप। हिंसा रोक लेंगे, सबको बैठना, एक साथ आगे बढ़ाना होगा, प्रशासन को कोऑपरेट करना पड़ेगा, प्रशासन को कोऑपरेशन चाहिए, ना वो नीति आयोग की बैठक में आती है, ना फोन उठाती है, यहाँ पर दिल्ली में कुछ होता है बुलाया जाता नहीं आते हैं, किसके साथ आदमी बैठे, किसके साथ बातचीत करेंगे, ये करना नहीं चाहिए। सामने नाम गिनाए, कोई आपके सामने नाम गिराए चित्रा जी, तो आप लोग तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वहां पर हत्या हुई है, आप लोग चाहते हैं दिया जाए बरकरार रहे बंगाल में, और आप लोग चाहे ममता बनर्जी किस तरह से पूरे विश्व में जहां कैसे नीचा दिखाया जाए, मुझे लगता है तो मैं को बंद करना चाहिए, हर एक राजनीतिक दल को, चाहे वो पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो, उसको कम से कम न सिर्फ गंभीरता इस पूरे मुद्दे पर दिखानी चाहिए बल्कि थोड़ी संवेदनशीलता भी, क्योंकि जो लोग मारे जा रहे हैं वो भले ही किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो लेकिन वो आम बंगाली भी हैं, इस बात का ध्यान रखा। राम राम जपना बंगाल होगा अपना, इसी मुद्दे को लेकर दंगल में बड़ी बहस हम कर रहे थे। आपको बता दें बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा हुआ है, एसएस अहलूवालिया के नेतृत्व में जांच के बाद वो रिपोर्ट सौंपेगा अमित शाह को, और अमित शाह गृहमंत्री के तौर पर भी और बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर भी क्या निर्णय लेते हैं अपनी पार्टी और पश्चिम बंगाल के हित में, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बार फिर से राहुल चक्रवर्ती आपके पास आते हुए, आप कह रहे हैं मिल बैठकर बातचीत करनी होगी, लेकिन संवाद के लिए ममता बनर्जी तैयार कहां हैं? जब भी उनसे बातचीत की कोशिश की जाती है हर बार वो अपने आप को पीछे खींच लेती हैं। फोन तक नहीं उठाती। पहला बात तो ये है, जो अगर आपका चित्रा जी इंटेंशन होगा जो मैं बंगाल को शांत नहीं होने दूंगा तो कभी यह होगा रिसॉल्व। प्रशासन जो कर रहा है चाह रहा है शांतिपूर्ण तरीका से इसको सॉल्व किया जाए, अगर पुलिस के ऊपर बम छोड़ेगा, पुलिस के ऊपर पत्थर मारा जाएगा तो कैसे होगा पुलिस शांतिपूर्ण बात? ये बात यह है जो इसको ये लाश लेके पीछे जुलूस बंद करना पड़ेगा, प्रोवोकेशन बंद करना पड़ेगा, तब ये प्रशासन को कोऑपरेट करने से प्रशासन शांति ला सकता है। ये शांति लाना हर किसी को जिम्मेवारी है, सिर्फ शासक दल को आप ऐसे अंगुल उठा के बोलिएगा तो अगर इंटेंशन आप इस तरह से यहां वायरस बरकरार रखे, यहां से फायदा लीजिएगा, जनता इसीलिए चुनकर भेजती है, शासक दल की जिम्मेदारी ये नहीं है कि सबका ये जिम्मेवारी है चित्रा जी, सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक साथ मिलकर शांति ले आए, और इंटेंशनली इसको मत कीजिए। भाजपा को मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा मत कीजिए, इसमें जान जा रहा है सबका जा रहा है, वो तृणमूल कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, ये इंसान का जान जा रहा है, ये बड़ा दुखजनक है, बड़ा दुर्भाग्यजनक है। ये जो मीठी मीठी बातें आप कर रहे हैं ममता बनर्जी को भी समझाइए, आप सीआरपीएफ के कार्यकर्ता उनका भले हो लेकिन है तो वो बंगाली, पुलिस वहां पे कामयाब नहीं हो रही तो सेंट्रल फोर्स को अच्छा वो भी नहीं करेंगे,
तो बंगाल को अशांत करने बंगाल की हालत इतनी खराब है, आप भी तो विपक्षी दल है ना, क्या कर रहे हैं आप लोग? चित्रा जी मैं एक बार भी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन या ममता बनर्जी के खिलाफ हमने नहीं देखा आप लोगों को। बताते हैं अभी विरोध प्रदर्शन किया तमिलनाडु के अंदर पानी को लेके, तमिलनाडु प्रदर्शन करने से क्या होता है? तो देश को सुरेंद्र सिंह आलूवालिया है आपसे सवाल पूछा गया है, बंगाल पे आप पहुंच गए तमिलनाडु। तो एक एंकर कह रहा खड़ा होके टीवी चैनल पे, नाम नहीं लूंगा, आप कहेंगे दूसरे चैनल का नाम मान लो, उन प्रदर्शन करने से क्या होगा? पानी तो सरकार देगी, ये विपक्ष का बाका प्रदर्शन देखिए, विरोध करेंगे सर, खुद से भी तो कुछ होता है ना, विपक्षी दल है आप 34 सालों तक राज किया है, उसी का कर्ज चुकाइए आप। विपक्ष विपक्ष कर्ज ही चुकाता है, फंड भी चुकाता है, लेकिन मसला यह है जहां विपक्षी दलों की सरकार होती है उन प्रदेशों में जंगल राज कहलाया जाता है, और जब सरकार बीजेपी की आ जाती है तो वहां जंगल भी नहीं रहता, बिल्कुल बंजर हो जाता है, जो किया है बंजर करने के लिए देश को। ये सुरेंद्र सिंह आलूवाले एक जमाने में बंगाल को टुकड़ा करने का मशवरा दिया था, गोरखालैंड पर लगा के बंगाल को शांत किया था, ये सुरेंद्र सिंह आलूवालिया, तो हम लोग भूले नहीं है। तो भाजपा का इंटेंशन क्या है अभी भी समझ में आ रहा है? तो हम रिक्वेस्ट करेंगे ये सब छोड़ के बंगाल को शांत करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका भी, हमारा भी है। अरे मारो आप लोगों को, करना पड़ेगा सर, आप लोगों के लोग भी तो मार रहे हैं ना इनके कार्यकर्ताओं को, तो इन्हें से क्यों उम्मीद कर रहे हैं आप? पुलिस प्रशासन को हमला बंद कीजिए। हाँ, इतनी ज्ञान की बातें आप दे रहे हैं, कदम तो आगे आपको बढ़ाने पड़ेंगे ना, राज्य में आपकी सरकार है, नहीं संभल रहा तो बोले केंद्र से फोर्स भेजा जाए, नहीं संभल रहा है कैसे विरोध किया? नहीं सेंट्रल फोर्सेज मत भेजो सर, अगर किसी को एक बार बता दिया गया उसके बाद वो अगर गलत कर रहा है, अगर वो गलत कर रहा है तो दुर्गा का अवतार बताना गलत है या फिर गलत कर रहा है उसको विरोध करना गलत है? जैदी साहब, अगर किसी ने दुर्गा का अवतार बता ही दिया तो बताया था न जाने कौन से साल में, वो गलत है या अभी जो दुर्गा का अवतार बताने वाली महिला अगर कुछ गलत कर रही है समय, बिहार पर उसका विरोध करना गलत है, वो बड़ा अपराधी है। बिहार में थोपा, जिसने ममता को दुर्गा का अवतार बता के बंगाल पे थोपा वो बड़ा अपराधी है। तो अपराध जो किया है वो आरएसएस ने किया है, देश ने चुनाना सर, लोगों ने चुनाना उनको, उसने समर्थन दिया। कुल मिलाकर ये समझ में आ गया लेफ्ट पार्टियां आरएसएस से लड़ रही हैं। देखिए पहली बात वो बीजेपी और टीएमसी से नहीं, चुनाव चुनाव आते हैं चुनाव जाते हैं, हम चाहते हैं कि बंगालियों के अधिकार बंगालियों को मिलने चाहिए, बंगाली कम से कम इस बात के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस करे कि दीदी सरकार देखिए आप लोगों की तो अस्थियां भी नहीं रह गई, आप लोगों की राजनीतिक पार्टी की तो आप लोगों की राजनीतिक पार्टी की तो इतनी भी अस्थियां नहीं रह गई जो हम जाके गंगा में प्रवाहित कर दे, आपकी तो अस्थियां भी नहीं बची है, छोड़िए अब बात यहाँ पर ही आ रही है राज बचाने के लिए, क्या हो रहा, क्या हुआ प्रधानमंत्री? अरे माहौल नहीं, यहाँ पर एक बात ये केंद्र
या भत्ता लेते हो इमामों से जिनको वेस्ट बंगाल में भत्ता मिलता है, आप किससे भत्ता लेते हो पहले ये बताइए। आप कितना देते हैं? आप क्या करेंगे, बीजेपी क्या करेगी ये बताइए। बहुत स्पष्ट किसी भी बंगाली को उसके प्रदेश के अंदर सुरक्षा देना वहां की स्टेट गवर्नमेंट का काम है। अगर स्टेट गवर्नमेंट बंगालियों को भी ये कहती है कि ये बंगाली हिंदू है और मैं मुसलमान के साथ हूं, किस प्रदेश किस तरीके का माहौल दीदी प्रदेश के अंदर बना रहे हैं? चले वक्त की कमी है, आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन नेताओं को अब कम से कम सजग होना जाना चाहिए, 2021 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन अगर इस तरह से हिंसा का दौर नहीं थमा तो वास्तव में बंगाल के लिए यह स्थिति बेहद बुरी, बेहद खराब, और कौन है इसके लिए जिम्मेदार, इस बहस के जरिए आप समझ ही गए होंगे। नगल में बस इतना। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।